हरिओम। एस्ट्रोटेक लैब द्वारा पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा जी लिखित ऋषि चिंतन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जैसे हम फटे पुराने या सड़े गले कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही पुराने शरीरों को बदलते और नयों को धारण करते रहते हैं। जैसे कपड़ों के उलटफेर का शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों की उलटपलट का आत्मा पर असर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी वस्तुतः उसका नाश नहीं होता। मृत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके कारण हमें रोने या डरने की आवश्यकता पड़े। शरीर के लिए रोना वृथा है, क्योंकि वह निर्जीव पदार्थों का बना हुआ है। मरने के बाद भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कोई चाहे तो मसालों में लपेटकर मुद्दतों तक अपने पास रखे रह सकता है, पर सभी जानते हैं कि देह जड़ है। संबंध तो उस आत्मा से होता है जो शरीर छोड़ देने के बाद भी जीवित रहती है। फिर जो जीवित है, मौजूद है, उसके लिए रोने और शोक करने से क्या प्रयोजन है? दो जीवनों को जोड़ने वाली ग्रंथि को मृत्यु कहते हैं। वह एक वाहन है जिस पर चढ़कर आत्माएं इधर से उधर आती जाती रहती हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं, वे मृत्यु द्वारा हमसे छीने नहीं जा सकते। वे अदृश्य बन जाते हैं तो भी उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। हम न दूसरों को मरा हुआ माने, न अपनी मृत्यु से डरें, क्योंकि मरना एक विश्राम मात्र है, उसे अंत नहीं कहा जा सकता। आज का यह ऋषि चिंतन आपके जीवन में लाभप्रद सिद्ध होगा। ऐसे ही नए ऋषि चिंतन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम।